बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शाह जंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, ये सितारे ये काकिश हैं, ये फलक रे राय जिंदगानी है। आज जनाब 29 जून है, जुमेरात का दिन है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज उन्होंने मुन्ने बच्चे पैदा होंगे, वालदेन उनका किन अल्फ़ाबैट से नाम रखें। आज हमें जनाब चांद मंजिल गफरा पे मिला, जिसे स्वाति नक्षत्र कहते हैं, और इससे जो लफ्ज़ मनसूब है ये लफ्ज़ सीन है मनसूब। और उसके बाद चांद आज मंजिल तब्दील करके मंजिल ज़ुबाना में आ जाएगा 3:59 यानी 1 मिनट कम, दोपहर 4 बजे। और मंजिल ज़ुबाना से मनसूब जो कि वैदिक जो नक्षत्र है बिसाख है, इससे लफ्ज़ मनसूब है एन। तो वक्त की मुनासबत का ख्याल रखते हुए वालदेन एन से भी नाम रख सकते हैं और सीन से भी, कबल वक्त अगर बच्चे की विलादत होती है तो उससे भी नाम रख सकते हैं। बुरजमीन का मानना है कि चांद जिस बुरज में हो तो उससे भी नाम रखने बाइस बरकत हैं। तो चांद आज हमें मिला बुरज मैदान में, तो रे ते तोएँ भी अल्फ़ाबैट से मज़ीद हमें मिल जाते हैं कि उनसे भी बच्चों के अच्छे से अच्छे प्यारे से प्यारे नाम रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बिटिया रानियाँ पैदा होती हैं उनके नामों में तो बड़ा एक तकद्दस हुई होना चाहिए। हम देखते हैं कि आज किन जॉडिक साइन के लिए अच्छा दिन है। तो आज हमें बुरज हमल, बुरज सरतान, बुरज मैदान और जदी वालों के लिए बेहतर और बला दिन मालूम हुआ। और मज़ीद जो बेहतरी है ये बुरज सौर, बुरज असद, बुरज अकरब और दर वालों के लिए। और एहतियात के लिए मैं हदिया करूँगा कि बुरज जौजा, बुरज शुमला, बुरज कौस और हूत वालों के लिए आज कदर एहतियात भरा दिन है। मज़ीद हम देखते हैं कि आज आसमानी काउंसिल पे सितारों ने क्या नजरात बना रखी हैं। जंजानी एजेंसी का सफ़र नंबर 152 हमारे सामने है और जनाब मुझे चश्मे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हम देखते हैं कि आज 29 को जनाब कोई आज 29 जून को कमर और शम्स की तसलीस है, अच्छी नज़र है। उसके बाद कमर और जोहल की तसलीस है, ये भी अच्छी नज़र है। कमर और मुश्तरी का जो मुकाबला है ये जनाब इतिहास की ख़राब नज़र है। और चौथी जो नज़र है शम्स और जोहल की तसलीस है। तो मजमूई तौर पे आज ये सारी नज़र आज बड़ी अच्छी हैं। आज अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए एक अच्छा दिन है और आम मामलों के लिए आप मशावरत करना भी अच्छा दिन है। माली मामलों में लेन देन में कदर एहतियात से काम लें। और उसके बाद जनाब बड़े लोगों से मेल मुलाकात के लिए भी आज एक अच्छा वक्त है। अशरफिया से मुलाकात करना समाजी सियासी मसरूफियात और गर्द हर लिहाज से अच्छा दिन है। और चूँकि जनाब बरकतें जारी हैं और आज जो सबसे अहम दिन है जनाब, आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। इदारा आइना किस्मत की तरफ से, जंजानी जंत्री की तरफ से, बारह इमामिया की तरफ से और अलबिरूनी तकवीम और AQ TV जंजानी TV हमारे इदारे की तरफ से, हमारे इराक़ी ने इदारे की तरफ से आप सबको जनाब बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हों। जहाँ कहीं भी आप मुझे आप देख रहे हैं अल्लाह ताला आपको खुश वख़ुर्रम रखे और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें खुशियों के साथ साथ हमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा भी अता करें। सूरह कौसर की आयत है कि फसल रब्बे का वनहर, नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। लोग जनाब ये समझते हैं कि शायद साल में एक दफ़ा कुर्बानी देना ही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह ताला हर अजान के साथ, 5 अजानें होती हैं, अल्लाह ताला हर अजान के साथ हमसे जनाब कुर्बानी मांग रहा है। और ये वो जज्बा है जो फरिश्तों को भी मैसर नहीं। अल्लाह पाक हम सबको इसार और कुर्बानी का जज्बा अदा करें। पाकिस्तान में ये अगर जज्बा आम हो जाए तो यकीनन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हालात भी बेहतर इंशाल्लाह ताला हो सकते हैं, दुनिया के हालात बेहतर हो सकते हैं। हम देखते हैं कि आज मैंने कौन थे लकी नंबर्स निकालने की सआदत हासिल की है। तो आज का जनाब जो मकसूमी नंबर है ये है जनाब 6 और 3 1 0 और 6 आज दोबारा ये मकसूमी नंबर में आ जाते हैं। कौन से कबूली दुआ के वक्त हैं, कौन से इसमें आज़म हैं, कौन से सदकात हैं, ये सब जानने के लिए अभी आप जंजानी TV को सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और वतन अज़ीज़ के सब बासियों को मेरी तरफ से, इराकी ने इदारा आइना किस्मत की तरफ से, AQ TV की तरफ से
आप सबको ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज़।